दोस्तों मार्केट में आज समोसे बनाने के इतने तरीके नहीं मिलेंगे जितने ज्यादा आपको आज फ्रॉड बनाने के नए नए तरीके मिल जाएंगे। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ आजकल जो ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं या फिर मोबाइल में फ्रॉड्स हो रहे हैं, आखिर ये किन किन तरीकों से लोगों से पैसा ठगी कर रहे हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके परिवार के लिए, आपके दोस्तों के लिए और आपके बच्चों के लिए भी इस वीडियो से एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। वीडियो को पूरा जरूर देखिए। दोस्तों सरकार ने काफी सारे प्रयास किए हैं इन्हें रोकने के लिए, लेकिन ये बड़े ही शातिर होते हैं, कोई ना कोई नया तरीका खोज ही निकालते हैं और ये इतनी सफाई से फ्रॉड करते हैं कि आप इन्हें पकड़ भी नहीं पाएंगे। और आपको कोई नया तरीका पता चल भी गया कि ये फ्रॉड है तो वो कोई नया तरीका आजमा करके आपको आजमाएंगे और आप उनके चुंगल में फंस जाएंगे। तो कौन कौन से तरीके ये आजमाते हैं, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ फ्रॉड आज सबसे ज्यादा चल रहा है वह है मोबाइल में वीडियो कॉलिंग का। इसके लिए मैंने पिछला वीडियो बनाया था, ये वाला आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी लिंक मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में मैं दूसरे प्रकार के फ्रॉड के बारे में बात करने जा रहा हूं, जो कि इसी से मिलता जुलता। कैमरे वाला तो अभी लेटेस्ट का है, उस पर मैंने वीडियो बना दिया है, काफी सारे लोग अब इससे अलर्ट हो चुके हैं। लेकिन और भी नए प्रकार के फ्रॉड अभी हो रहे हैं जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। उसके लिए मैंने एक छोटी सी क्लिप बनाई है, एक नहीं बल्कि दो प्रकार की फ्रॉड वीडियो क्लिप बनाई है। तो सबसे पहले आप उसका एक क्लिप देखिए, उसके बाद हम आपसे दोबारा मिलते हैं। हेलो सर, आपका मैसेज प्राप्त हुआ था मुझे। जी जी, मुझे जरूरत है। ठीक है सर, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पहुंचाना है? सेम नंबर पर मेरा व्हाट्सएप है, आप मुझे मैसेज डाल दीजिए सर, मैं पहुंचा देता हूँ। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। गजब, इतने ज्यादा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इतना ज्यादा लोन, मतलब बैंक वाले तो लूटते हैं। फटाफट सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स इन्हें सेंड करता हूँ और अब बैंक वालों को बताता हूँ। जी सर जी। अच्छा, प्रोसेसिंग फीस कितनी? 4%। बस 2 लाख की मुझे, मतलब 8,000 रुपए भी आपको देने होंगे प्रोसेसिंग फीस। अच्छा जी, कोई गल नहीं सर, मैं अभी कर देता हूँ। जी जी जी, पेटीएम करना है? ठीक है सर, मैं कर देता हूँ। 2 लाख रुपए, वो भी 3 साल के लिए और मात्र 8,000 रुपए देना है? अरे कोई गल नहीं, दे देते हैं। 3 लाख से तो 6 लाख बना लूंगा। हाँ जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा, और पैसे डालने? अच्छा जी, वो मेरा लोन अमाउंट आपने बढ़ा दिया? जी जी जी। अच्छा, जो मैं आपका अभी पैसे दूंगा तो आप मुझे लोन के साथ वापस कर देंगे? ठीक है सर, ओके ओके। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अरे फोन उठा भाई, फोन ही नहीं उठा रहा है, मेरे डॉक्यूमेंट्स भी ले गया। होप कि इस क्लिप को आपने पूरे अच्छे तरीके से देख लिया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर ये 2,000 रुपए देकर ही समस्या का शिकार नहीं हुआ, अभी समस्या तो इसके ऊपर और आने वाली है। और वो कौन सी समस्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एक प्रकार का और फ्रॉड है, उसे मैंने दूसरी क्लिप पर बताया है, आप उस वीडियो को भी जरूर देखिए। तो ये रहा आपके सामने दूसरा क्लिप। क्या करूं, मेरी जॉब चली गई, मैं क्या करूं क्या करूं, काम करता हूँ ऑनलाइन, ट्राई करता हूँ या फिर एक से एक एप्लीकेशन आ गए, आज तो जॉब प्रोवाइड करा रहे हैं, चलो ट्राई करते हैं, ये तो अच्छा पैकेज दे रहा है, चलो कॉल करता हूँ। हाँ जी सर, मैंने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक किया था जॉब के रिगार्डिंग। जी जी ठीक है सर। अरे वेरी गुड, ठीक है सर, तो मैं आपको डॉक्यूमेंट सेंड कर देता हूँ। प्रोसेसिंग फीस क्या होगी? मात्र 2,000। अच्छा जी सर, 30,000 रुपये पेमेंट? ठीक है सर, कोई गल नहीं, मैं अभी कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट्स भी सेंड कर देता हूँ और आपको पेमेंट भी कर देता हूँ प्रोसेसिंग फीस। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। चलो मेरी जॉब तो लग गई। हेलो जी सर, और पैसे पहुंचाने? सॉरी सर, अब तो मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा सर, मेरे पास में अभी पैसे हैं नहीं सर, मेरी खुद जॉब चली गई तो मैं अभी घर पे ही बैठा हूँ, अभी तो पैसा नहीं दे पाऊंगा सर। ठीक है सर। नहीं सर, सर माफी चाहता हूँ सर, सर प्लीज आप फोन मत करिए आप, क्योंकि मैं परेशान हूँ सर, पैसे नहीं दे पाऊंगा। लेकिन मेरे डॉक्यूमेंट्स तो उनके पास में ही रह गए, मैं यहाँ से व्हाट्सएप से डिलीट कर देता हूँ। चलो मैंने डिलीट तो कर दिया है, लेकिन उन्होंने सिस्टम में सेव कर लिया होगा तो गलत इस्तेमाल तो नहीं करेंगे उसका? होप कि दोनों ही क्लिप आपको समझ में आ गए होंगे। लेकिन यहाँ पर ही ये खत्म नहीं होता है, कहानी तो अभी शुरू हुई है मेरे दोस्त, अब इनका असली जाल स्टार्ट होता है। असली जाल क्या है? आपने देखा कि पहले वाली क्लिप में और दूसरे वाले क्लिप में दोनों ने ही डॉक्यूमेंट्स उस फ्रॉड के पास में सेंड कर दिए हैं। अब वह फ्रॉड उन डॉक्यूमेंट्स के जरिए और भी ज्यादा गलत इस्तेमाल करेगा, आपसे तो मात्र 2 या
4000 रुपए निकलवाया है, या हो सकता है कि आपने बिल्कुल भी पैसे ना दिए हो लेकिन डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए, तो उन डॉक्यूमेंट से भी वह लाखों रुपए कमा सकता है। जी हाँ, लाखों रुपए मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है ये अमाउंट करोड़ तक पहुंच जाए। कैसे? तो चलिए पूरी जानकारी आपको डिटेल्स में देते हैं। देखिए, जो फ्रॉड करने वाले होते हैं ये अच्छे तरह से जानते हैं कि आपको किस प्रकार से लालच दिया जाए, और जब आप उनके लालच पर फंस जाते हैं तो वह आपसे पैसा ले लेते हैं, और जब आप इनके लालच से बचना चाहते हैं और बच के निकल जाते हैं तब कहीं ना कहीं आप अपनी कुछ छाप छोड़ जाते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर उनको अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए और आपकी नजर में आपने व्हाट्सएप से इसे डिलीट भी कर दिया है, लेकिन उन्होंने अपने सिस्टम में इसे सेव करके रख लिया। अब इसका गलत उपयोग ये कैसे करते हैं उसके बारे में पूरी डिटेल जरूर जानिए। कहीं आपने भी किसी को अपने डॉक्यूमेंट सेंड तो नहीं किए, और दिए हैं तो आगे आपको क्या करना है इस वीडियो में मैं बताऊंगा, जिससे कि आप सुरक्षित रह सकें। तो चलिए उसके बारे में भी एक नजर डाल लेते हैं। जब कभी भी आपको लोन या फिर जॉब का ऑफर आता है, या फिर किसी प्रकार का गिफ्ट, या इतने लाख रुपए की लॉटरी खुल चुकी है आपको, इस प्रकार का ऑफर आपको अगर यदि सामने से आता है तो आपके मोबाइल पर भी प्रूफ के तौर पर एम्प्लॉई आईडी के तौर पर वह अपने कुछ डॉक्यूमेंट सेंड करता है कि यह मेरा नाम है और यह मैं आपको अपनी आईडी सेंड कर रहा हूं। तो दरअसल जो फ्रॉडर्स होते हैं उनकी आईडी नहीं होती है, उन्होंने ये आईडी किसी और की, जी हाँ, जो आप लोगों के द्वारा आईडी ली जाती है तो वही आईडी सामने वाले को फॉरवर्ड कर दी जाती है, जिससे कि सामने वाले को ये बिलीव हो जाए कि सामने वाला सच बोल रहा है। और एक डॉक्यूमेंट्स नहीं, आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, यहाँ तक कि कभी कभी मार्कशीट का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन मार्कशीट का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होता है, मार्कशीट का इस्तेमाल दूसरी जगह होता है, कहाँ पर होता है उसके लिए मैं आगे बताऊंगा। कुल मिलाकर के आपके डॉक्यूमेंट्स का गलत इस्तेमाल किया जाता है, और जब सामने वाला व्यक्ति उन डॉक्यूमेंट्स पर विश्वास करके उसे पैसा दे देता है और उस व्यक्ति के साथ कोई स्कैम हो जाता है, अगर यदि वह थाने में जाकर उसकी FIR दर्ज कर देता है तो डॉक्यूमेंट्स के प्रूफ पर वो आपके डॉक्यूमेंट्स दिखाएगा, जिससे कि आप खतरे में फंसेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स उस सामने वाले ने आपके दिखाए हैं और उन डॉक्यूमेंट्स में पूरी डिटेल्स होती है, जिससे कि आपको गिरफ्तार किया जाए। तो जी हाँ, कभी भी अपने डॉक्यूमेंट्स किसी और को ना दें। अगर आपने कभी ऐसा किया है तो उसके लिए क्या करना है मैं आपको आगे बता देता हूँ। और अब रही बात मार्कशीट की, तो मार्कशीट में क्या होता है, तो मार्कशीट से ये आपके लोन उठा सकते हैं और किसी को लोन के नाम पर झांसा भी दे सकते हैं और किसी बैंक को अच्छा खासा चूना भी लगा सकते हैं। तो इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स कभी भी किसी के साथ में शेयर ना करें। और अब हम बात करते हैं किन बातों का आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो आपको ये नोटिस कर लेना है कि कोई भी व्यक्ति एम्प्लॉय होने का दावा करता है और अपने ही डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करता है, इसका मतलब वो आपको बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वह सच बोल रहा है, और सच बार बार वही बताता है जो कि वास्तव में झूठ बोलता है। अगर किसी भी प्रकार का लोन या जॉब आपको प्रोवाइड कराई जाती है तो उस कंपनी के बारे में जानकारी दी जाती है और उस कंपनी की डिटेल्स आपके साथ में शेयर की जाती है, ना कि एम्प्लॉय की। अभी तो ये आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं और डॉक्यूमेंट्स किसी दूसरे को फॉरवर्ड करके उनके साथ में स्कैम करते हैं, लेकिन पहले के दौर पर क्या था, मेरे साथ में तो कई बार ऐसा हो चुका है, लेकिन मुझे इसके बारे में पता था तो मैं उनके झांसे में नहीं आया। मुझे जो भी व्हाट्सएप में डॉक्यूमेंट सेंड किया जाता था, क्योंकि मैं जिस लाइन से हूँ मुझे काफी नॉलेज है इनका, किसी भी फोटो में क्या एडिट किया गया है वो मैं अच्छे से जान जाता हूँ, या जिसे भी अच्छा खासा फोटोशॉप काम करते आता है तो वह इस चीज को आसानी से समझ सकता है कि उस पर किसी भी डॉक्यूमेंट्स पर या फोटो पर अलग से टेक्स्ट लिखे गए हैं या अलग से फोटो को लगाया गया है, वह अलग ही समझ में आता है। लेकिन जिन्हें इन चीज के बारे में जानकारी नहीं होती थी या नहीं होती है तो वह इनके झांसे में आ जाते हैं। तो इसलिए इन लोगों ने अब ये नया तरीका भी निकाल लिया है। अब लोग नोटिस करने लगे हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स आईडी के फॉन्ट्स होते हैं और जो इनके द्वारा एडिट किए जाते हैं फॉन्ट और फोटो, वो अलग से ही समझ में आता है, तो इसलिए उन लोगों ने अब दूसरों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सेंड करना स्टार्ट कर दिए हैं, जिससे कि लोगों का वाकई में रियल लगे और आप उनके चुंगल में फंस जाएं। इस चीज से आप सावधान रहें, किसी को भी अपने डॉक्यूमेंट्स ना दें, क्योंकि अगर यदि कोई भी जेन्युइन कंपनी लोन प्रोवाइड कराती है या जॉब प्रोवाइड कराती है उसकी वेबसाइट और ईमेल आईडी जरूर होगी, और ईमेल आईडी याद रखिए, कभी भी एम्प्लॉय की ईमेल आईडी @gmail.com या फिर yahoomail.com इन डोमेन से मैच ना खाती हो, क्योंकि जो भी लीगल कंपनीज होती हैं वह अपने एम्प्लॉय को भी उनके नाम के बाद अपनी कंपनी के डोमेन नेम जरूर प्रोवाइड कराती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यदि मैं XYZ कंपनी में काम करता हूँ तो मेरी एम्प्लॉय आईडी जो मुझे कंपनी मुझे प्रोवाइड करेगी तो imran@xyz.com के नाम की प्रोवाइड करेगी, जो कि लीगल कंपनी होती है, लेकिन imran@gmail.com, imran@yahoo.com ऐसे ईमेल अक्सर फ्रॉड करने वाले इस्तेमाल करते हैं। इनसे सतर्क रहिए और इन ईमेल से बचने की कोशिश कीजिए। और सबसे पहली बात कि व्हाट्सएप से कॉल अगर यदि आता है तो उस पर यकीन ना कीजिए, क्योंकि कंपनी कभी भी आपको व्हाट्सएप पर कॉल नहीं करती है, वह सीधे आपके नंबर पर कॉल करती है। और अगर यदि आपके डॉक्यूमेंट से कुछ बड़ा फ्रॉड हो जाता है तो आपको इसके लिए जेल भी जाना पड़ सकता है और आपको अपने आप को सच साबित करने के लिए सफाई पे सफाई देनी पड़ सकती है, जिससे कि आपका समय भी बर्बाद होगा और आपको फालतू की टेंशन भी पैदा हो सकती है। तो इसलिए इन चीजों से दूर रहें।
अगर आप उनमें से हैं, आपके साथ में ऐसा कुछ स्कैम हो चुका है, तो आपको शांत नहीं रहना है। वैसा वाला नहीं कि आप हुड़दंग मचाएं, आपको आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाना है और इसकी रिपोर्ट दर्ज करा देनी है आपके साथ में जो भी हुआ है। क्योंकि अगर कल को आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ भी कोई भी खिलवाड़ किया जाता है, तो आप उससे सुरक्षित रहेंगे। आपके साथ में ऐसा हुआ है तो आपको अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन जाना है और आपको एक आवेदन सौंप देना है। आवेदन में आपको क्या लिखना है वह भी जरा देख लीजिए। डियर सर मैम, श्रीमान थाना प्रभारी जी, शहर और प्रदेश का नाम, सब्जेक्ट यानी कि विषय आपको दे देना है कि आप किस प्रकार का आवेदन यहाँ पर दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके साथ में लोन से रिलेटेड फ्रॉड हुआ है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है लोन के नाम पर फ्रॉड किए जाने हैं तो आवेदन। नीचे आपको लिखना है, महोदय जी, आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका पता और किस तारीख में किस व्यक्ति के द्वारा किस मोबाइल नंबर से आपकी क्या बातें हुई और आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स या पैसे उन्हें दिए हैं, ये सभी चीजें आपको बता देना है। और आपने अगर यदि डॉक्यूमेंट्स दिए हैं तो आपको एक लाइन जरूर लिख देना है, अगर यदि आपके डॉक्यूमेंट्स का कोई भी गलत इस्तेमाल करता है तो आपको उस कार्यवाही से दूर रखा जाए। नीचे डेट लिखकर अपने हस्ताक्षर करके और ये आवेदन थाने में जमा कर देना है और उसकी एक रिसिप्ट आपको अपने पास में जरूर रख लेनी है। अगर कल को आपके साथ में कोई घटना घटित होती है तो आपको ये स्लिप काम में आएगी, जो कि आपको इन मामलों से दूर रखेगी। और हाँ, अपने परिवार में अपने बच्चों, बड़े और बुजुर्गों के साथ और साथ में ही अपने रिश्तेदार और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि उनको भी इस नॉलेज के बारे में पता हो सके और वह इस प्रकार के फ्रॉड से बच सके। होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, जिससे कि इसी प्रकार की नॉलेज वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं अगली किसी वीडियोस में, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।